बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत का असल जिंदगी में विवादों से गहरा नाता है। कई बार वह विवादों में घिर चुकी हैं। इसके बावजूद वह किसी भी मामले में बोलने से डरती नहीं। शिवसेना नेता से बहसबाजी हो या फिर पत्रकार को निशाने पर लेना, कंगना खुलकर अपनी बात रखती हैं। उनके बेबाकी और बोल्ड अंदाज की वजह से इंडस्ट्री में कई लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं। 23 मार्च 1987 को जन्मी कंगना रनौत को उनके बेबाकी से बोलने की वजह से कई लोग उन्हें पसंद भी करते हैं और कई लोग उनकी आलोचना भी करते हैं। तो फिर आज जानते हैं कंगना से जुड़ी कुछ मुख्य कंट्रोवर्सी जिसने बढ़ा दी थी कंगना रनौत की मुश्किलें। तो फिर ये लोग जो हैं क्यों डर रहे हैं, क्यों खिसिया रहे हैं कि मैंने नेपोटिज्म के करके बोला? तो इनकी हवाइयां उड़ गई, सब गैंग बना के बैठे हुए हैं कि नेपोटिज्म के बारे में इसने क्यों बोला। तो सब इकट्ठे हुए हुए हैं, जैसे कोई क्लासरूम होता है, बच्चे समझेंगे, 60 लोगों का क्लासरूम हो जिसमें एक बच्चे के खिलाफ बाकी के 59 अड़ जाएं, बिल्कुल उसको किसी ना किसी तरह से सताने में या बुली करने में लग जाए, कैसा महसूस करेंगे आप? हालांकि इन मुश्किलों का असर कंगना पर कम ही देखने को मिला है, पर आखिर क्या वजह है कि कंगना हमेशा कंट्रोवर्सी में रहती है और क्यों उन्हें कंट्रोवर्सी क्वीन कहते हैं? वेल, इसे जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि कंगना कब कब और किन किन वजहों से कंट्रोवर्सी से घिरी है। दरअसल कंगना ने फिल्म इंडस्ट्री में जब से कदम रखा है तभी से वह विवादों में घिरी रही हैं। राजकुमार राव के साथ अपनी फिल्म जजमेंटल है क्या से जुड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंगना रनौत की एक पत्रकार से बहस हो गई थी। मुंबई में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब का सेशन चल रहा था। इसी दौरान एक पत्रकार ने कंगना से सवाल किया जिस पर वह भड़क गई। कंगना ने पत्रकार का पक्ष सुने बगैर उन पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। कंगना ने इस पत्रकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि फिल्म मणिकर्णिका से जुड़े एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कंगना के साथ वैनिटी वैन में 3 घंटे बिताए और उनके साथ लंच भी किया और इसके बाद अगले दिन उनके और फिल्म मणिकर्णिका के खिलाफ घटिया बातें लिखी। Okay, right? So you are a friend. Kanna, I was just asking, you could have refused to answer. You said, Tumhari soch gandhi hai, where does it come from? Let's take it off. Am I wrong? You said it right let's here and we have the proof here. Please, let's take it offline. Guys, thank this you. We have used sorry, my sorry. Pen, not answer any we of your questions. This would have been You've been this doing a smear campaign on I me. I have nothing to do smear campaign against. This is absolutely yes. ridiculous, Kanna. Kangana par palatwar karte huye patrakar se spasht kiya. Na to maine kabhi aapke saath kabhi lunch kiya aur na hi vanity van mein aapke saath 3 ghante ruka. पत्रकार बार बार कंगना को अपना पक्ष स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन कंगना अपनी बात पर अड़ी रही। यही नहीं, कंगना लगातार पत्रकार की आलोचना करती रही और अपने खिलाफ घटिया सोच रखने का आरोप भी लगाया। आइए जानते हैं ऐसी कंट्रोवर्सीज के बारे में जिन्हें लेकर कंगना सुर्खियों में बनी रही। ऋतिक रोशन का कंगना के साथ लंबा विवाद चला है। दरअसल ऋतिक रोशन फिल्म सुपर 30s के प्रमोशन के लिए पहुंचे तो उनसे कंगना की फिल्म जजमेंटल है क्या विवाद पर सवाल किए गए थे। ऋतिक ने इस सवालों का जवाब कुछ यूं दिया, मैं समझ चुका हूं कि इन विवादों को किस तरह से हैंडल किया जाए। इन बेवजह की परेशानियों से लड़ने का सही तरीका है इन पर पेशेंस बनाए रखना, न कि इन पर बहस करना। ऋतिक रोशन ने आगे कहा, अब यह समाज पर निर्भर करता है जो खुद को निष्पक्ष बताता है कि वह इसे मामले को हैरेसमेंट के तौर पर देखता है या नहीं। ऋतिक रोशन ने कहा, अगर मैं फिल्म क्लैश से पीछे हट जाता हूं, जो मुझे पता है कि पहले से ही सोचे समझे तरीके से तय किया गया है, तो मैं कमजोर दिल वाला और दुखड़ा सुनाने वाला नजर दिखाई देता हूं। मैंने सीख लिया है कि कैसे इन चीजों से बेअसर रहा जाए। ऋतिक रोशन ने अपनी परेशानी का जिक्र करते हुए कहा, मेरी समस्या केवल उन खास लोगों से है जो इस तरह की चीजों और ऐसे बिहेवियर की सराहना करते हैं। वह बिना सच जाने ही अपना फैसला सुना देते हैं। इन्हीं वजहों के चलते ये सर्कस 6 साल तक चला था। उन्होंने बिना कंगना का नाम जाहिर किए कहा, मैंने उस महिला के खिलाफ मैंने सीधे तौर पर कोई लीगल केस नहीं किया है। मैं ऐसा इस वजह से नहीं कर सकता हूं क्योंकि भारत में ये धारणा है कि भारत में लड़कों का पीछा नहीं किया जाता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल न्यूज पोल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी एक भी वीडियो मिस ना कर पाए। इससे पहले कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी की रिलीज के समय भी काफी विवाद हुआ था। कंगना रनौत ने इस फिल्म में भारत की वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभाया है। इस फिल्म को बनाने से लेकर इसके रिलीज होने तक कंगना विवादों से घिरी रही। कंगना ने अपने बेबाक बयानों से काफी सुर्खियां बटोरती रहती हैं। आज की इस वीडियो में हम कंगना की कुछ ऐसे ही कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में जानेंगे। वीडियो को देखने के बाद आपको खुद ही इस बात का पता लग जाएगा कंगना क्यों हमेशा कॉन्ट्रोवर्सी से घिरी रहती हैं। करणी सेना के साथ विवाद।
फिल्म मणिकर्णिका डी क्वीन ऑफ झांसी की रिलीज से एन पहले करनी सेना की तरफ से कंगना को धमकी मिली थी, लेकिन कंगना ने इसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा था, मैं राजपूत हूँ और अगर मुझे परेशान करना बंद नहीं किया तो एक एक को बर्बाद कर दूंगी। मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी, माफी मैं कभी किसी चीज के लिए नहीं मांगती जिसमें कोई गलती है नहीं। कंगना के कड़े तेवर देखने के बाद करनी सेना बैकफुट पर आ गई और उनकी तरफ से स्पष्टीकरण आ गया था कि उन्हें फिल्म की रिलीज से कोई समस्या नहीं है। आदित्य पंचोली के खिलाफ की थी FIR। कंगना रनौत ने जब बॉलीवुड में डेब्यू किया था तब उनका अपने से उम्र में काफी बड़े आदित्य पंचोली के साथ लिंकअप रहा। उस वक्त कंगना महज 16 साल की थीं। कंगना का यह अफेयर 5 साल तक जारी रहा, लेकिन इस दौरान विवाद कंगना को घेरे रहे, लेकिन इस अफेयर का अंत बहुत खराब रहा। कंगना ने आदित्य पंचोली पर आरोप लगाए कि उन्होंने कंगना को घर में बंद करके रखा, उन्हें मारा पीटा। इसके खिलाफ कंगना ने FIR लिखवाई थी और आदित्य पंचोली पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप भी लगाया। इस मामले पर फिलहाल सुनवाई चल रही है। ऋतिक रोशन के साथ विवाद काफी लंबा चला। कंगना रनौत और ऋतिक रोशन ने एक दूसरे को डेट किया, इसके बारे में किसी को खबर नहीं थी, लेकिन इनके बीच विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब एक इंटरव्यू में कंगना ने ऋतिक को अपना सिली एक्स कह दिया। ऋतिक ने इसके लिए कंगना को लीगल नोटिस भेजा और माफी मांगने को कहा। इस दौरान कंगना पर तरह तरह के आरोप लगाए गए, उन्हें मानसिक रूप से बीमार तक करार दिया गया। यही नहीं, ऋतिक की एक्स वाइफ सुजैन ने भी कंगना पर सवाल उठाए, लेकिन कंगना अपने बयान पर अडिग रही और लंबे वक्त बाद जाकर मामला शांत हुआ। काला जादू करने का लगा आरोप। अपने समय के चर्चित एक्टर रहे शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन के साथ रिलेशनशिप को लेकर भी कंगना विवादों में रहीं। अध्ययन सुमन ने अपने इंटरव्यूज में बताया कि कैसे उन्हें कंगना से प्यार हो गया और कंगना ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अध्ययन ने कहा कि कंगना उन्हें चोट पहुंचाती थी, उन्हें बुरा भला कहती थी, यहां तक कि उन पर काला जादू भी करती थी। हालांकि इन सब आरोपों को कंगना ने सिरे से खारिज कर दिया था। करण जौहर के महिला किरदारों पर कंगना ने उठाए थे सवाल। कंगना ने करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण में उन्हें भाई भतीजावाद फैलाने वाला करार दिया था। मीटू पर करण जौहर की तरफ से कुछ न कहे जाने को लेकर भी कंगना ने उनकी खिंचाई की थी। करण जौहर की फिल्मों में महिलाओं की भूमिका पर कंगना ने अपने एक बयान में कहा, लड़कियों को बारबी डॉल की तरह से दिखाना सही नहीं है, और जो पुरुष लड़कियों को कपड़ों की तरह बदलते हैं उन्हें हीरो बनाकर क्यों पेश किया जाता है? क्या इस तरह से कभी किसी महिला किरदार को ग्लोरीफाई किया गया है? करण जौहर पर अपने इस तरह के तीखे बयानों से कंगना ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं। आलिया भट्ट को बताया करण जौहर की कठपुतली। करण जौहर के शो में नेपोटिज्म पर सवाल उठाने के बाद कंगना आलिया भट्ट पर कई बार खुलेआम निशाना साधती नजर आईं। यही नहीं, उनकी फिल्म मणिकर्णिका द झांसी ऑफ क्वीन जब रिलीज हुई थी तो बॉलीवुड के चुप्पी साधे रहने पर भी उन्होंने सवाल किया था। उन्होंने आलिया से कहा था कि वह थोड़ा गट्स दिखाएं और महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली फिल्मों की सराहना करें, लेकिन आलिया इस फिल्म पर टिप्पणी करने से बच रही थीं। ऐसे में कंगना ने उन्हें करण जौहर की कठपुतली बताया था। यही नहीं, कंगना कई मौके पर आलिया पर निशाना साध चुकी हैं। जब BMC ने कंगना रनौत को भेजा नोटिस। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में कंगना रनौत खुलकर बोलती नजर आई थी। इस बीच कंगना और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच जुबानी जंग छिड़ गई थी, जिसके बाद कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ गईं। दरअसल BMC ने एक्ट्रेस के पाली हिल वाले ऑफिस पर सरप्राइज विजिट की और काफी तोड़फोड़ की। BMC यही नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने एक्ट्रेस के खिलाफ नोटिस भी जारी किया, जिसे कंगना ने लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद BMC के लोग उस नोटिस को गेट पर चिपका कर चले गए थे। वहीं इस मामले पर कंगना ने सिर्फ BMC के खिलाफ ही नहीं बल्कि मुंबई पुलिस के खिलाफ भी कमेंट किए थे। कंगना वर्सेस तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर। कंगना रनौत ने तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर को बी ग्रेड एक्ट्रेस बताया था। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या किए जाने पर बॉलीवुड में इनसाइडर बनाम आउटसाइडर को लेकर जंग छिड़ गई थी। इस मुद्दे पर कई एक्ट्रेसेस खुलकर बोलती नजर आई थीं, जिस पर स्वरा ने कहा कि सिर्फ कंगना को ही क्यों करण से समस्या है, हमें तो नहीं है। इस पर कंगना ने कहा कि स्वरा और तापसी जैसी एक्ट्रेस आलिया और अनन्या से अच्छी दिखती हैं और बेहतर एक्ट्रेस हैं, लेकिन फिर भी आप बी ग्रेड एक्ट्रेस हैं, क्यों आप लोगों को काम क्यों नहीं मिल रहा? इसके अलावा कई और मौकों पर भी दोनों के बीच आपसी जंग छिड़ी दिखाई देती रही है। तो फिर अब आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कंगना क्यों कंट्रोवर्सी से घिरी रहती हैं। बाकी आगे भी आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल न्यूज पोल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया।